हाय गाइस, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। मैं सड़क चैनल वापस एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम वापस एक बार बात करेंगे अपने लॉर्ड्स मोबाइल के नए इवेंट के बारे में। तो यार, ये जो नया इवेंट है, इसका नाम है अपना कुछ कुंफू पांडा इवेंट। और इसमें तुम्हें एक शॉप मिलेगी जिसके अंदर तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें जेड कलेक्ट करने होंगे। और वो जेड कलेक्ट करने के लिए तुम्हें हेल इवेंट, मॉन्स्टर हंट और KVK और बाकी सब जितने भी और भी चीज़ें होती हैं, लॉर्ड्स कप, सोलो इवेंट, हेल इवेंट, ये सब तो बता ही दिया। तो बस यही सब कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पे तुम्हें एक पांडा सा मिलेगा, छोटा सा प्यारा सा, बस इसको तुम अपग्रेड करते जाना, ये भी बड़ा होता जाएगा, तुम्हें कुछ गिफ्ट्स भी देता जाएगा और तुम्हारे टर्फ के आसपास कुछ अच्छा सा मतलब डेकोरेट भी कर देगा। ठीक है, मतलब जिसका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी कर देगा। तो देखो यार, अब देख लेते हैं अपन लोग क्या देखते हैं। हाँ, ये स्पेशल इवेंट। तो यार देखो, शुरुआत का तो वही है यार, पांडा है, अपना टर्फ डेकोरेट करेगा, कुछ गिफ्ट देगा। दूसरे बार वही मैं बता चुका हूँ कि अपन को क्या है, कास्टल स्किन मिलेगी। हाँ यार, सबसे मेजर बात तो मैं बताना भूल ही गया था, इस शॉप के अंदर तुम्हें कास्टल स्किन, गियर्स, इमोट्स और अवतार्स ये सब भी मिल सकते हैं, बस तुम्हें जेट्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यार देखो, कास्टल स्किन वगैरह ये सब मैंने बता ही दिया है यार। तो हाँ, एक बात और देखो क्या, हाँ, डेली लॉगिन से भी तुम्हें कुछ वो मिलेंगे, मतलब जैसे तुमने डेली लॉगिन किया तो 10 जेट्स और ऐसे ही कुछ एक और चीज़, मतलब स्नोबॉल टाइप का कुछ मिलेगा, जिससे तुम अपना पांडा अपग्रेड कर सकते हो, जेट से तुम ये सब खरीद सकते हो। ठीक है, तो अब यार देख लेते हैं हेल इवेंट से कितना क्या मिलेगा। तो हेल इवेंट से देखो चेस्ट मिलेंगी, अब चेस्ट के अंदर तुम्हारी किस्मत, तुम्हें कितने जेट्स मिल जाएँ। ठीक है, तो ये तो यार पिछली बार जैसा है, एक बार और ऐसे ही आ चुका है। सोलो इवेंट कंप्लीट करने पर 3 चेस्ट मिलेंगे, उसमें भी तुम्हारी किस्मत। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हाँ चलो अब सीधा अपन शॉप देखते हैं चल के। देखो शॉप पे सबसे पहले सबसे तगड़ी चीज़ अपनी कास्टल स्किन, वो आता लगे बहुत ज़्यादा महंगी दिख रही है, 2000 रेट्स मेरे को लगता है कलेक्ट करते करते सदियाँ लग जाएंगी, लेकिन बहुत तगड़ी चीज़ है ये, मतलब देख रहे हो कास्टल स्किन भी अच्छी दिख रही है। तो उसके बाद अपन का क्या है, उसके बाद ये लिमिटेड, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए यार, इसको लेने का कोई मतलब नहीं होता, कभी भी कोई मतलब नहीं होता इसको लेने का, मतलब इसको लेना मतलब जेट्स की बर्बादी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है अपना हाँ ठीक है, इमोट्स है, उसके बाद अपने कोलैब्ड वाले, उसके बाद भी इमोट है और उसके बाद भी इमोट है। तो देखो यार, उसके बाद अपने कोलैब वाले इमोट है, मतलब ये थोड़े से रेयर इमोट होंगे या बीच बीच में ये आते रहेंगे, अभी मैं आगे दिखा भी दूंगा, हो सकता है दिखाऊं, मतलब ऐसा है बीच बीच में ये लोग शॉप ले आते हैं ऐसे कि रेयर वाले इमोट भी मिल सकते हैं, लेकिन वो फिर P2P के लिए होते हैं, यहाँ F2P के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सब गियर्स हैं, वो आते लगे गियर्स, अगर तुम्हारा हीरो 60 लेवल के ऊपर का है तो तुम्हारे पास ऐसे अच्छे गियर्स होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद फिर अवतार्स हैं, उसके बाद अपना ये क्या कि ये कुछ विंग्ड बूस्ट टाइप की चीज़ है, और ये है अपना आर्मी 80 के बढ़ाने वाला, उसके बाद एक मिनट का स्पीड अप है जिसको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद है अपना कुछ P2P के लिए कि जेट्स खरीद सकते हो तुम। तो देखो यार, शॉप पे चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं, बहुत मस्त चीज़ें हैं, लेकिन यार तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए यार कास्टल स्किल के ऊपर। अगर तुम F2P हो यार, तब भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, मतलब मेरे को नहीं लगता, मतलब पॉसिबल हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो, बट एक बार ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, अब मैंने इतना भी कैलकुलेट किया नहीं है कि मैं देखाऊं कि मतलब कितने हेल इवेंट, कितने सोलो इवेंट करने पड़ेंगे ये सब स्किन वगैरह लेने के लिए, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो हो सकता है वीडियो बना दूँ, हो सकता है ना बनाऊँ, वैसे तुम लोग बताना कि बनानी चाहिए कि नहीं। ठीक है, और हाँ एक बात और, अगर तुम लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि ये पॉसिबल है F2P के लिए या नहीं है। ठीक है, तो बस यार अब एंड किया जाए वीडियो, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।